सबसे पहले मैंने सोचा था जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ लूँ खुतबा, उसके बाद खुशी थी। आज दो फिल्म मेरी आम्रपाली और लव डे दोनों का म्यूज़िक रिलीज़ है और ईदी डबल हो गई, तो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुशी का दिन है। लव डे के लिए बहुत मेहनत किया है मैंने और आज उसका टी सीरीज़ ने म्यूज़िक ले लिया और रिलीज़ हो रहा है और फर्स्ट थिएट्रिकल ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। फिल्म रिलीज़ होगी मैडम, बहुत जल्दी होगी इंशाल्लाह। अभी हम म्यूज़िक रिलीज़ कर रहे हैं, उसके बाद डेट निकलेगी तो फिर आपको बुलाएंगे, तो फिर आप तब नहीं तो आएंगे नहीं। आप म्यूज़िक रिलीज़ पता चल जाएगा आपको डेट क्या है, तो आप चाहते हैं हम आपको कि आप आइए, है कि नहीं? सलमान भाई को पिक्चर दिखाना चाहेंगे या लव डे आम्रपाली? 100% लव डे ज़रूर दिखाना चाहूँगा, पहले सलमान भाई को एक बार मैं बजरंगी भाईजान देखूँ, उसके बाद फिर मैं सलमान भाई को लव डे दिखाऊँगा। ऑफकोर्स यार, उनके बिना क्या है। अस्सलाम वालेकुम, एक नंबर मानस की तरह से आप सबको रमज़ान ईद बहुत बहुत मुबारक हो। दुआओं में याद रखना बहुत ज़रूरी है, एक नंबर। थैंक यू डार्लिंग। जयपुर जा रहे, मेरी वैसे पूरी कास्ट के साथ बहुत अच्छी बनती है, तो ऐसा पर्टिकुलरली नहीं कह सकती, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु इज वेरी फ्रेंडली, मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है और मैं बातें शुरू कर रही हूँ, तो सारे लोग जितने भी टेक्निकल है सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, आई एम लविंग एवरी पर्सन। आई थिंक इस फिल्म का पार्ट रहना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि ये एक ड्रीम रोल है जो कोई भी लड़की करना चाहेगी। ये स्टोरी ऐसी है जो जिसने भी सुना उसने यही कहा काश ये रोल मेरे पास होता, तो मैं थोड़ा सा लकी हूँ कि आई एम गेटिंग दिस रोल एंड सारा केक टू ईट। इस किरदार के लिए तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ रहा है, बिकॉज ये पूरा क्लासिकल बैकग्राउंड पे है और nowadays background classical होना थोड़ा सा difficult हो जाता है, तो हमने इसके लिए religiously बहुत classical forms सीखा है, acting के classes attend करी है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इस role के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों की उम्मीद है मुझे और थैंक यू।